नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सिंधु साक्षी दीपा और जीतू बने खेल रत्न। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रियो ओलंपिक में बैडमिंटन रजत विजेता पीवी सिंधु, कांस्य पदक विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक, जमुना दीपा कर्मा और निशानेबाज जीतू राय को सोमवार को खेल दिवस के मौके पर देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया। मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न प्रदान करने के अलावा 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 6 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2015-16 प्रदान की। गौरतलब है कि सरकार ने विशेष नियम बनाया है जिसके तहत ओलंपिक वर्ष में 1 से अधिक खिलाड़ी को खेल रत्न दिया जा सकता है। खेल रत्न में 7.5 लाख रुपए, अर्जुन द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार में 5 लाख रुपए, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में ट्रॉफी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के लिए 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 सितंबर को करेगा कश्मीर का दौरा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। उम्मीद है कि घाटी में शांति स्थापित करने के प्रयासों के तहत प्रतिनिधिमंडल विभिन्न तबकों के लोगों से बातचीत करेगा। कश्मीर घाटी में शांति कायम करने के प्रयासों के तहत प्रतिनिधिमंडल के विभिन्न तबकों के लोगों और संगठनों से मिलने की उम्मीद है। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में आजम खान और यूपी सरकार को नोटिस। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राजमार्ग के निकट मां बेटी के साथ हुए बलात्कार को लेकर अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खान के विवादित बयान पर सोमवार को उनसे एवं राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार एवं खान की खिंचाई करते हुए कहा कि इस मामले में खान जैसे नेता द्वारा दिया गया विवादित बयान जांच एवं संपूर्ण तंत्र को लेकर संदेह पैदा करता है। जैन संत पर विवादित टिप्पणी करने वाले विशाल ददलानी ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। संगीतकार और गायक विशाल ददलानी ने जैन मुनि तरुण सागर जी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद माफी मांगते हुए आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। अपने ट्वीट के जरिए विशाल ने बताया है कि पार्टी ने उन्हें जैन समुदाय के संत पर किए गए ट्वीट के कारण बाहर नहीं निकाला है, बल्कि उन्होंने खुद ही अलग होने का फैसला किया है। अदन में आत्मघाती कार बम विस्फोट में 45 लोगों की मौत। यमन के दक्षिणी शहर अदन में सोमवार को एक आत्मघाती कार बम हमलावर ने एक स्थानीय मिलिशिया के परिसर में अपनी कार घुसाकर विस्फोट कर दिया, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि अदन के मैसूरा जिले में किए गए हमले के 60 घायलों को अस्पताल लाया गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।